अदनान सिद्दीकी, क्या कॉम्बिनेशन अदनान सिद्दीकी का, कितना प्यारा ड्रामा है, मजा आ गया ड्रामा देख। फनी बीवी हो, बीवी जाए भाड़ में, बहुत ही रोमांटिक सीरियल है, बहुत ही मोहब्बत, इश्क, प्यार, इजहार, अच्छे अच्छे अल्फाज, सिर्फ गैर औरत के लिए। जी जी, ये भी है, घर वाली के लिए नहीं, बाहर वालियों के लिए। तो नाम में ही देखिए मोहब्बत है, ड्रामे के नाम से शुरू करते हैं, खुशबू में लिखे खत, बसे बसे, चलो हाँ चलो खुशबू में बसे खत कर लो, क्या हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आया नाम, ये पता है, अर्थ मूवी 1983, जगजीत सिंह की, उसमें गजल तेरे खुशबू में लिखे खत, जो उससे वहाँ से आई थिंक इंस्पायर्ड है, वो भी गजल शायरी, तो मैं कहो नाम तो वहाँ से आया, मेरी भय मैं चेक करती हूँ नाम कहाँ से आया, तो इंस्पिरेशन वो है। तो यहाँ भी शायरी, गज़लें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती मोहब्बत के बीच में, इतना इतनी बदसूरती छुपी हुई है उसके पीछे, और वो कॉन्ट्रास्ट वो बड़ा अमेजिंग है कि एक शख्स जिसके पास कोई कमी नहीं है मोहब्बत बांटने में, फेंके जा रहा है इधर, मोहब्बत तुम भी ले लो, ये भी ले लो, कॉम्प्लीमेंट्स हर औरत के लिए, और इतने अच्छे मशवरे, एम्पावर भी कर रहा है उनको, लेकिन अपनी बीवी को कितना बुरा जलील कर रहा है, सुबह दोपहर शाम, एक लम्हा उसके पास, एक लफ्ज़ नहीं है उस शायर के पास, एक अच्छा मीठा प्यारा लफ्ज़, कहती है कि वो तसल्ली का लफ्ज़, बच्चों की मीटिंग है, और उसी में उसको कहते थे कि तुम जैसी औरतें होती हैं जो मूड खराब कर देती हैं, जो ये करती हैं, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कह रही, तुम्हारी वजह से मूड में रहना चाहता है ना हमेशा, दिस इज वेरी डीप राइटिंग, हर वक्त एक अच्छे मूड में रहना चाहता है, बबल में रहना चाहता है, और ये लड़की बबल से निकाल देती है उसको। वो बहुत अगली लाइन्स, मतलब इन द सेंस के बहुत सख्त करख्त लाइन्स थी, जिसपे खून खोल जाता है आपका, तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से आदमी बाहर की औरतों को देखते हैं, दूसरी औरत की तरफ जाते हैं। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया रूबीना जी ने कि एक्चुअली उसके लिए तो यही सर्वे ट्रॉमा है कि वो अपने बबल से निकले, हाँ, और नादिया की एग्जिस्टेंस उसको उस बबल से निकालती है, तो इसलिए वो इतनी इतने सख्त अल्फाज, दैट्स व्हाई आई वांट टू सी मोर ऑफ रानी। मुझे ये हुई कि एक सर्जन है, इतनी समझदार औरत है, उसको कोई इतना लगाव भी नहीं लगता शेरो शायरी से, उम्र का डिफरेंस भी है, वो उसको कब मोहब्बत हुई, माने एक्सप्लेन कर दिया, एक जुमले में एक्सप्लेन कर दिया, मेरी बेचारी बच्ची शक्ल पे मर मिटी थी, शक्ल शक्ल कहाँ है, थी ना कभी, he's a handsome, नहीं लेकिन मुझे तो एज डिफरेंस इन्होंने बहुत दिखाया है, नहीं दोनों एक जितने, मुझे ये एज में ज्यादा लग रहे हैं, और जो अच्छा अदनान ज्यादा है, ज्यादा है काफी, तो मुझे लग नहीं रहे ना, और शायर और तब भी एम्बिशियस नहीं होगा ये बंदा, तो ऐसा ही होगा थोड़ा सा, फिर भी मुझे लगा कि नादिया जमील का कैरेक्टर वुड फॉल फॉर हिम, थोड़ा सा अजीब, एनीवेज, बट जो लुक क्रिएट की है मुझे इतनी प्यारी लगी, जो उसमें टोन है, वेरी फ्रेश, इट्स आई लव एनीथिंग जिसमें शादी का मसला ना, वो तो मेरा, मैंने देख लूंगी मैं ड्रामा कैसा भी हो जिसमें शादी का इशू ना, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ चैनल को, प्रोडक्शन हाउस को, हाँ, जिसमें मुझे नहीं होता हम रिश्ता लेके जाए, मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा, मैं है, मैं मंगनी तोड़ है, आपका कब शादी की बात करें, वो शादी शादी चलता है, तो इसमें इट्स डिफरेंट, द थीम इज डिफरेंट, अदनान सिद्दीकी इज लुकिंग सो गुड, यस, मैं इतना, मुझे अच्छा लगा उसको देख के, इतना इतना कमाल शायर और इतना कमीना शौहर होना, क्या कॉम्बिनेशन अदनान सिद्दीकी का, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, मुशायरे का जो शीन मुशायरे का शीन भी है उसके अंदर, वैसे तो मुशायरे में होता है, मुशायरे का जो सीन था, जो सीक्वेंस था, बहुत मजे, बहुत, दैट वाज माय फेवरेट, आई लव्ड इट, और वो जो उसका तैयार करके किंजा को लेके आते ना, यहाँ भी पिला दिया, यहाँ भी मेकअप हो रहा है, और आके उसने जो गजल पढ़ी, जो गजल पढ़ी है, वो गजल कितने मजे की थी, है ना, जो वो नज़्म पढ़ती है, दे वो हिलेरियस, और वो लड़की, सो नाइस, एक्चुअली वेरी वेल, आई लव्ड इट, बहुत मजे का था, देखिए ये कितना प्यारा ड्रामा है कि जिसमें इतनी करख्त सख्त लाइंस भी हैं, एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है, फिर वो स्कूल कॉलेज का भी फ्लेवर है, अरे भाई क्या साकिब भाई, मजा आ गया ड्रामा देख के। आमना मुफ्ती जिन्होंने लिखा है, आमना जी साकिब भाई है ना, नेबर भी हैं, दोस्त के मियाँ भी हैं, तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, तो लंबे लंबे बाल हैं मेरे साकिब भाई के माशाल्लाह, और आम तो ये बंदा कोई आम प्रोजेक्ट उसको पसंद ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिक है, और ऐसा करना चाहते थे तो साकिब भाई को लिया, बिकॉज हिज लाइटिंग, हिज डायरेक्शन जैसा लग रहा है, यूनिक वो लग रहा है, पता नहीं कहाँ अरुसा सदीकी के इन्होंने आर्ट आर्ट किया हुआ है वहाँ पे जाके, आई एम श्योर वो शायद ऐसा ना लगता हो, वैसे मैं जाके देखना चाहूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम देखो जिसकी इतनी फनी बीवी हो, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खौफनाक मजेदार, और मियाँ इतने सीरियस और इतने इंटेंस,
क्या बात है, क्या आई लव सैक्रिफाइस वर्क, और ये बहुत 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 अमेजिंग खुशी हुई। लेकिन मैं बताऊँ साकिब भाई, यानी कि भाई हैं, मैं वाकई ड्रामा देख रही थी बहुत उससे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मजे का लगा, इट्स डिफरेंट एंड आई एम लविंग द कैरेक्टर्स। और किंजा का भी वाकई बहुत लग रही है, स्कूल की बच्ची बिल्कुल वैसी और उसी इलाके की, और वैसा ही मजेदार, और जो गाड़ी में बैठ भी जाती है कोई बात नहीं पर अगर तुम्हें शायरी वाली अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मुझे इन्होंने याद कराया है माँ और बेटी वाला ट्रैक, तो मुझे उससे याद आया, बिकॉज जो याद है मुझे वो नान नादिया और किंजा के ही सीन्स हैं, जहाँ माँ आती है और माँ के सीन्स हैं, वहाँ मैं बहुत पुट ऑफ हूँ, बहुत ओवर, लाइन्स बहुत बुरी, माँ की एक्टिंग बहुत बुरी, और वो मुझे समझ नहीं आई, मुझे वो ट्रैक मुझे माँ ही नहीं समझ आई, और माँ बेटी की मुझे उसमें केमिस्ट्री बॉन्डिंग नहीं है ना, कुछ भी नहीं, नहीं वो भी नहीं, मजे की नहीं लगे मुझे उसका वो रोना, लाउडली बोलना, मैं इतनी ओवर क्यों है, नॉर्मल बात करती, दरवाजे में बंद कर दिया, ये क्या क्या जरूरत थी, आई मीन रिएक्शन टू मन्नत मुराद है ना, मुझे वो लगा, मुझे वो ड्रामे का हिस्सा नहीं लगा, मुझे लगा नहीं जिसने इतना अच्छा ड्रामा लिखा है उसने ये ऐसा लिखा क्यों, लिखा है तो साकिब भाई ने ऐसा डायरेक्ट क्यों किया और ऐसे क्यों बना, वो पार्ट निकाल दें तो अदर देन दैट बहुत बहुत अच्छी राइटिंग है, जुमले, देर इज़ अ प्लॉट, देर इज़ रिसर्च नज़र आता है, अच्छे पक्के जुमले हैं, नज़में लिखने में ही कितना देखे ना, कितना ओरिजिनल उन्होंने मेहनत की होगी, वो ऐसे शेर बनाने में, नज़में बहुत मज़े की, कलाम वो ही ना, तो उस पर मेहनत तो की है भाई राइटर ने, नज़र आता है, और उसके बाद सीन्स डायलॉग जो आपको याद रह जाते हैं, तो इसका मतलब आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दैट, तो स्टिल वो वाला मैं ट्रैक बिल्कुल इग्नोर करके आई विल रियली गिव हर अ 9 यस वेरी नाइस। एक जुमला था उसमें कि वो फलाना हमारा था, उसकी टांग पे ऐसे ही कुछ हुआ था, और फिर वो उसने कुछ भी नहीं, सबने कहा कोई मसला नहीं है, और वो चलता फिर तरह, और फिर लंगड़ा हो गया, तो तुम क्या करना चाहती हो, क्या लंगर दीन हो के बीन बजाना चाहती हो, बिकॉज देयर इज अ वो है ना सेइंग लंगर दीन बजाए बीन, आई सेड लिखा हुआ बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, सीन्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे, इवन द मदर डॉटर सीन्स वर ब्यूटीफुली रिटन। मुझे अच्छे लगते हैं वो ड्रामास जिनकी लुक कुछ किसी पीरियड ड्रामे की आ रही हो, कि ये आज का नहीं है, ये यहाँ का नहीं, कहीं और का है, तो वो फील जो क्रिएट की है ना डायरेक्टर ने, दैट इज़ अमेजिंग। येलो लाइट थी है ना, कुछ अलग लग, मुझे लग रहा है बस ये आज का टाइम नहीं है, अभी का वक्त नहीं है, ये कोई और दुनिया है, कोई और वक्त है, वो अपनी दुनिया बना के उसने दी है ये फील, ये कोई और दुनिया है, पता चलता है कि कितनी डायरेक्टर ने मेहनत की है, उसका विजन है, और हम ड्रामा देख रहे हैं, हम कोई देख रहे हैं पीस ऑफ फिक्शन, इट्स ब्यूटिफुल, इट जस्ट टेक्स यू अवे समवेयर, तो वो बहुत अच्छा और आसान, बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है नेचुरल कर देना, लेकिन ऐसा क्रिएट करना, मेहनत, होमवर्क, रिसर्च, प्लस एक्टर्स वो जो सूट करें, फिर उनसे सही काम करवाना, वो भी वहाँ भी डायरेक्टर की मेहनत मुझे नज़र आई। एक सिंपल चीज़ है जो कि एक जल तरंग कैफ़े बता दिया जी, शायरों का ये जो हॉटस्पॉट है जल तरंग कैफ़े, मैंने कहा वो भी कैरेक्टर है, जब भी एंटर हो रही ना दरवाजे पे लिखा है जल तरंग कैफ़े, वो मुझे इतना मज़े का लगा कि उसको भी इस्टेब्लिश कर दिया, लग रहा है वो भी इनका कोई कैरेक्टर ही है ड्रामे में। एंड द गेटअप इज़ गिवन टू अदनान सिद्दीकी, और उसमें उसकी भी एफर्ट होगी सारी, तो डायरेक्टर ने सबको जो लुक दी है ना बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, और वो लड़की का आना साड़ी में आके देखना, फ्लर्ट करना, रातों को फ़ोन करना, नज़र आ रहा है मेहनत, पैशन, शौक का काम है। 9 टू हिम ऑल्सो इन द बिगिनिंग। I also loved her work, dialogue delivery, body language, walk, और excited हो जाना, तो बिल्कुल वो कोई मुझे college school girl लग रही है। और उसने जो मुशायरे में बैठ के जो हाथ ये क्यों किया, सारी acting है किया, हाथ ये कुछ कुछ ऐसा, हाँ ये कुछ किया, princess type ही होगी, और वो dialogue delivery में जिस आई है और गलत तलफ्फुज़ से बोली है, और पूरी पोएट्री गलत तलफ्फुज़ से बोली है उसने, हाँ, और कोई लय नहीं थी, कोई सुर नहीं था, बट हाँ बस जो मगर वो कॉन्फिडेंट थी, हाँ, जो चीज़ और शायर सब वाह वाह कर रहे हैं, जो चीज़ इरिटेट कर रही है वो लैशेज हैं। अच्छा, आई मेकअप उतना हल्का तो चलो, फिर भी लैशेज आर वेरी प्रोमिनेंट, और साथ वाली बच्ची इतनी वो क्लीन फेस, फ्रेशनेस लग रही है, वो भी ज़्यादा छोट, अच्छा जब मसला क्या होता है, लैशेज पहन लिए आप बड़े लगोगे, खूबसूरत नहीं बड़े लगोगे, तो वो बच्ची अब छोटी लग रही है, आप बड़े लग रहे हो, आपका एज डिफरेंस शो कर रहा है, हाउ विल यू लुक लाइक अ कॉलेज स्कूल गर्ल इफ़ यू वेयरिंग लैशेज, वो ब्यूटी को छोड़े एज ऐड करता है इन सच कैरेक्टर्स, तो वो इट्स गोइंग अगेंस्ट किंजा,
तो वो लैशेस के नंबर कटे हैं, काम अच्छा था, 7 7 वेरी गुड जॉब। मुझे तो गेटअप, उसके कपड़े और ये कि बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं, बीवी जाए भाड़ में, ये वाला एटीट्यूड, और बाहर की हर खातून हसीन हुसन परी और उसके लिए सिर्फ मोहब्बत और मीठे अल्फाज, बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, बहुत, बल्कि आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल कैरेक्टर इसका है। अदनान ने बहुत अच्छा किया, आई जस्ट लव्ड इट। 9 हालांकि मैं अदनान की बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ और मैं मुंह पे उसको सुनाती हूँ हमेशा, ये अच्छा नहीं था, ये सही नहीं था, ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, लेकिन इस पे वाकई आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत मैच्योर परफॉर्मेंस एंड ही इज एंजॉयिंग सो मच। एकदम नादिया जमील, एक तरफ किंजा हाशमी और सिद्रा ने आज तो इन्जॉय तो करना उन्होंने।